नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जहर खाकर लाइव वीडियो बना सुसाइड नोट छोड़ की आत्महत्या की, मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ के थाना टप्पल इलाके के ग्राम पंचायत हजियापुर के माजरा बलुआपुर निवासी और गांधी स्मारक इंटर कॉलेज भरतपुर बघेड़ा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे कृष्ण दत्त शर्मा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इलाज के दौरान कैलाश अस्पताल नोएडा में उनकी मौत हो गई। मरने से पहले मृतक ने एक लाइव वीडियो में स्कूल के प्रिंसिपल और बाबू पर आरोप लगाया और उसके बाद युवक की मौत हो गई। घटना सोमवार की है। उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का उत्पीड़न स्कूल के प्रधानाचार्य और बाबू द्वारा पिछले काफी समय से किया जा रहा था। उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने सोमवार को जहर खाकर लाइव वीडियो बनाते हुए सुसाइड नोट छोड़कर स्कूल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि लाइव वीडियो के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मौत हो गई और पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि युवक के मरने से पहले छोड़े सुसाइड नोट और लाइव वीडियो के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार न करके अलीगढ़ पुलिस विवेचना की बात कर रही है। जबकि इस घटना से पहले भी 2012 में एक युवक से भी स्कूल में नौकरी लगवाने के नाम में प्रधानाचार्य बाबू द्वारा 6 लाख रुपए ले लिए गए थे और जब उसी वक्त युवक ने स्कूल के प्रधानाचार्य और बाबू से अपने पैसे मांगे तो उल्टा उसी के खिलाफ लड़की से छेड़खानी का आरोप लगाते हुए टप्पल थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया था। मृतक के पुत्र के अनुसार उनके पिता ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें कॉलेज प्रशासन पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगा है। परिवार की तहरीर पर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है। टप्पल थाने में परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के मुताबिक कृष्ण दत्त शर्मा सोमवार को कॉलेज गए थे। वेतन भुगतान के लिए कॉलेज के उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज करने के नाम पर प्रधानाचार्य देवेंद्र पालवा बाबू धर्मवीर ने 2 लाख रुपए मांगे थे। कृष्ण दत्त 1 लाख रुपए पहले ही दे चुके थे और रुपया न होने की बात कही, जिस पर उनके साथ मारपीट की गई। इससे क्षुब्ध होकर घर पहुंचने के बाद शाम को कृष्ण दत्त शर्मा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जानकारी पर परिवार वाले पहले जट्टारी और फिर जेवर के निजी अस्पताल कैलाश को ले गए, जहां रात 10 बजे कृष्ण दत्त शर्मा की मौत हो गई। मृतक का एक बेटा सुमित और बेटी अंजलि हैं, जबकि कृष्ण दत्त शर्मा की पत्नी की पहले 2003 में मौत हो गई थी। दूसरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी जबकि तीसरी पत्नी छोड़कर चली गई थी। बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि पैसा कभी भगवान नहीं होता, आज है कल नहीं होगा। अगर इस बात को इंसान अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसके बाद इस तरह की बात सुनने के बाद उस सांचे में ढलने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार बात जब पैसे को लेकर हद से पार हो जाए तो इंसान कुछ भी करने से नहीं गुजरता, भले ही उसे चाहे मौत को गले लगाना पड़े। लेकिन धरती पर रहने वाले इंसान पैसे को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर जिंदगी में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। जहां पहले से ही 2 बच्चों के सिर से माँ का साया छिन चुका था और उसके बाद पिता ने भी लाइव वीडियो बनाते हुए सुसाइड नोट छोड़कर जहर खाकर मौत को गले लगाते हुए अपने बच्चों को जिंदगी भर के लिए अनाथ बना दिया। ऐसा ही मामला अलीगढ़ की तहसील खैर क्षेत्र के थाना टप्पल इलाके के गांव हजियापुर में रहने देखने को मिला। हजियापुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति कृष्ण दत्त शर्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज भरतपुर बझेड़ा के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नौकरी कर रहा था। इस दौरान पिछले कुछ महीनों से कॉलेज प्रशासन द्वारा जब नौकरी करने वाले व्यक्ति का भुगतान नहीं किया जा रहा था, उसके बाद जब सोमवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वेतन को लेकर कॉलेज पहुंचे तो वहां मौजूद रजिस्टर अपनी अनुपस्थिति देखने के बाद
रजिस्टर के अंदर अनुपस्थिति नहीं मिली तो उस रजिस्टर के अंदर उपस्थिति दर्ज कराने के नाम पर प्रिंसिपल द्वारा 2 लाख रुपए की मांग रखी गई, जिसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने जैसे तैसे पैसों का जुगाड़ करके 1 लाख रुपए कॉलेज के प्रधानाचार्य को दे दिया। जब बाकी के बचे 1 लाख रुपयों का इंतजाम कर्मचारी नहीं कर पाया तो इस बात से क्षुब्ध होकर प्रधानाचार्य ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ मारपीट कर दी। पिटाई से क्षुब्ध होकर कर्मचारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसके बाद कर्मचारी को परिजनों द्वारा इलाज कराने के लिए आसपास के अस्पतालों में इलाज कराया गया, लेकिन व्यक्ति की हालत को गंभीर देखते हुए कर्मचारी को नोएडा के अंदर कैलाश अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, जहां पर कर्मचारी ने जहर खाने के बाद लाइव वीडियो बनाते हुए सुसाइड नोट छोड़कर स्कूल के लोगों को दोषी ठहराते हुए मौत को गले लगा लिया और अपने पीछे छोड़ गया उन 2 मासूम बच्चों को बिलखते हुए, जो मां की मौत के बाद बच्चे सोच रहे थे कि उनके सिर के ऊपर उनके बाप का हाथ है, लेकिन वही बाप अपनी जिंदगी से हार मान गया और बच्चों को अनाथ छोड़ते हुए इस पैसे भरी लालची दुनिया से अलविदा हो गया। एसपी ग्रामीण अतुल कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि एक इंटर कॉलेज के कर्मचारी ने जहर खाकर सुसाइड किया है। सुसाइड के उपरांत एक सुसाइड नोट और वीडियो मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। इंटर कॉलेज के कर्मचारी ने सुसाइड किया है, सुसाइड वीडियो भी उसने छोड़ा है, प्रिंसिपल पर लगाया, क्या है पूरा? ये एक थाना टप्पल में जट्टारी चौकी पड़ती है, चौकी में का ये रविवार का मामला है। एक इंटर कॉलेज के 4th क्लास के कर्मचारी ने सुसाइड कर लिया था और उस पर जो है उसका एक सुसाइड नोट भी उसका मिला है, एक वीडियो भी वायरल हो रही है उसके सिलसिले में। तो हमने इसमें मुकदमा सोमवार की सुबह लिखवा दिया था और इसमें इसकी विवेचना जो है वो की जा रही है। आगे जो भी एविडेंसेस निकलेंगे उसके आधार पर इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा इस पे जो है उन्होंने अपने स्कूल के कुछ लोगों पे लिखवाया है, जो इसमें अभी विवेचना चल रही है, कुछ लोगों के नाम लिखवाए गए हैं, आगे जो भी विवेचना में होगा वो एविडेंसेस के आधार पर। आपको सुमित कुमार साहब, गाँव कौन सा है? बलुआपुर। क्या घटना हुई है? घटना पिताजी ने जहर खा लिया। किस मामले को लेकर? प्रिंसिपल और बड़े बाबू के ऊपर। कहाँ काम करते थे? कौन सा स्कूल? भरतपुर बजेड़ा इंटर कॉलेज में। क्या नाम है स्कूल का? श्री गांधी स्मार्क इंटर कॉलेज। ऐसी क्या घटना हुई जिससे उन्हें जहर खाना पड़ा? ये बड़ा बाबू और प्रधानाचार्य उनको परेशान करते थे, बार बार पैसे मांगते थे उनसे, प्रताड़ित करते थे उन्हें। मार लगाई। आपकी मम्मी की डेथ कब हुई थी? 2003 में। यानी अब तुम्हारा कोई सहारा नहीं है? नहीं, कोई नहीं। और कौन है तुम्हारे साथ? बहन की कितनी उम्र है? बहन की उम्र 14 साल। अब आपको क्या सोचा है, कैसे करोगे, क्या करोगे? कोई नहीं हमारा, हम क्या करेंगे। माता जी हैं आपके? नहीं। कब खत्म हुई थी? वो 2003 में खत्म हुई। आपकी बहन का क्या नाम है? अंजलि शर्मा। उनकी कितनी उम्र है? 14 साल। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस कुछ नहीं कर रही, बार बार बहका देती है। क्या कहती है पुलिस? ये कह देती है कि ओला ओला, कभी कुछ मंगाती है, कभी कुछ मंगाती है। यानी कोई कार्रवाई नहीं चल? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अपना आपका नाम, आपका नाम क्या है? ज्ञानन सनोप श्री जगदन सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? बीरमपुर। आपसे नौकरी के नाम पे पैसे ले रखे हैं? 6,37,000 रुपए। किसने लिए? धर्मवीर सिंह। कहाँ काम करते हैं वो? ये भागपुर इंटर कॉलेज में। ये बड़े बाबू है? हाँ जी। तो आपसे नौकरी के नाम पे 6,37,000 लिए? 6,37,000 पर लिए थे, 2012 की बात है। 2012 में? अभी तक पैसे नहीं दिए? अभी तक कोई पैसा ना दिए, ना नौकरी लगी है? ना नौकरी लगी। अच्छा। और अपनों ही उल्टो केस, मतलब लड़की को उल्टो केस और लगा दिया आपसे? अच्छा अच्छा अच्छा। जो लड़की का वो मैटर आप ही से लगाया था? वो से लगाया। तो आपसे मतलब पैसे 12वें के बाद? अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उन्होंने तो ये काम कर रखा है, धंधा है जी इनको। ठीक है। अच्छा। तो आपने कहीं शिकायत ना करी? शिकायत करी, चल रहा है। अच्छा, मैटर चल रहा है। ठीक है। पैसे जो दिया नाम आपका? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है। सर गाँव कौन सा है? गाँव बल्लभगढ़ का रहने वाला हूँ। ये क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, मेरे मामा जी का लड़का था, ये चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था अपने भरतपुर बजेड़ा में,
शाम को 7:30 की बात है, इसने सुसाइड वो जहर पी लिया था। हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई इसकी, तो हमने इससे बात की और 100 नंबर पे भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई। डॉक्टर के पास इसका एक स्टेटमेंट था, जो पुलिस वाले आए वहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके ले गए थे। उसके बाद इसको कैलाश हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया और उसके बाद जेवर पुलिस भी वहाँ पे पहुंची है। कैलाश जहर क्यों खाया है? जहर जो खाया था इसने, वो स्कूल में कोई मेंटली हरासमेंट कर रहे थे, फिजिकल भी इसको टॉर्चर किया जा रहा था। कौन कर रहे थे? प्रिंसिपल था और एक बड़ा बाबू जो क्लर्क बोलते हैं यहाँ पे वो था। उन्होंने पहले इससे 1,00,000 रुपए ले लिए थे, उसके बाद फिर दोबारा से डिमांड की गई थी 1,00,000 रुपए और चाहिए। और हमें बाद में ये भी उसने बताया है स्टेटमेंट में, लड़के ने ये भी बताया है सुसाइड करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा है उसने 3 पेजों का, उसमें ये बताया उसने कि मतलब कि मेरी जो सैलरी थी उस पैसे की उसने चेक जो साइन करा के रख रखे थे और पैसे वही निकाल लेता था। इसको पैसे निकाल लेते हो सर? हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें 26,000 रुपए की 2018 से पैसा निकाल रहा है, बाकी और बैंक बताएगा जो भी पैसा निकला है जितना भी निकला है। ठीक है जी, हमने फिर टप्पल थाने में भी खबर की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने जो FIR दर्ज करी है वो अपने मन से कर दी है या प्रिंसिपल के साथ कोई सेटिंग है उसकी, उसका हमें पता नहीं है। ठीक है जी, हमने जो तहरीर दी है उसमें हमने नाम भी दिए, उस FIR को हमने स्टडी किया है, उसकी कॉपी हमारे पास है जिसमें मतलब कि कोई नाम नहीं दिया गया है। हम प्रशासन और मीडिया से ये चाहते हैं कि इन बच्चों को जो इंसाफ मिले और सख्त से सख्त दोषियों के सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए।